और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बांगरमऊ क्षेत्र में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से कटरी में बोई गई सभी फसलें डूब चुकी हैं। तलहटी क्षेत्र के गांव के अलावा निचले इलाकों से गुजरता हुआ बाढ़ का पानी गांव के निकट तालाबों में भरने लगा है। वहीं फतेहपुर चौरासी क्षेत्र में लगातार जलस्तर में हो रही वृद्धि के चलते कबूलपुर शांति बंगला संपर्क मार्ग जाजामऊ समेत कई संपर्क मार्ग जलभराव के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं किसानों ने बताया कि कई बीघा परवल लौकी कद्दू करेला भिंडी धान की फसलें जल हो गई हैं। नायब तहसीलदार साक्षी राय ने गांव का निरीक्षण कर मार्गों पर चेतावनी का बैनर लगवाकर आवागमन बंद करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अधिक जलभराव वाले स्थानों पर नाव लगाई गई है। इन गांव के करीब पहुंचा गंगा का पानी। क्षेत्र के गाँव गहरपुरवा बगिया भगवतपुरवा भुड्डा गढ़वा गोलरिहा रतईपुरवा कोशी मुन्नीपुरवा आदि और फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के गांव दुर्गापुरवा बद्रीपुरवा रुस्तमपुर हिंदूपुर माना बंगला मन्ना नगरी लौकीहा आदि गांव के करीब तक पानी पहुंचने से खलबली मची हुई है। वहीं परियर क्षेत्र के गांव बसघना परियर माना बंगला बाबू बंगला देवीपुरवा बंदनपुरवा टपरा पनपथा जुड़ापुरवा कोलवा रोहतापुर महानंदपुरवा आदि गाँव के करीब तक पानी पहुँच गया है। फतेहपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।